हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद इतिमन। तो आज हम करेंगे 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5, राजस्थान में जनजागृति और प्रजामंडल। तो ये जो हमने देखा, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, तो आंदोलन जो था जिसको जो है समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर जो राष्ट्रीय चेतना की भावना जो थी वो जागृत हो चुकी थी। तो उसी के बाद का ये जो है चैप्टर, 1857 ईस्वी का प्रथम स्वाधीनता संग्राम जो है वो सफल नहीं हो पाया, लेकिन जनता में जो नव चेतना थी, जागृति जो थी, उसकी भावना जो है वो अवश्य उत्पन्न हो गई। तो ऐसे कौन कौन से जो है कारक इसके लिए उत्तरदायी रहे? तो सबसे पहला जो कारक रहा वो रहा कि राजस्थान के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वैभव की आत्मानुभूति जब हिंदी, गुजराती, बांग्ला साहित्य से राजस्थानी चरित्रों के बारे में हुई, तब जनता अपने प्राचीन गौरव के प्रति सजग हो उठी। तो यहाँ पर हिंदी, गुजराती, बांग्ला साहित्य से जो राजस्थानी चरित्रों के बारे में जो है यहाँ पर आत्मानुभूति जब लोगों को हुई राजस्थान के सांस्कृतिक ऐतिहासिक वैभव की, तो अपने प्राचीन गौरव के प्रति वो सजग हो उठे। दूसरा जो कारक रहा वह रहा राष्ट्रीय चेतना या नव चेतना या जागृति की भावना जो है उनके अंदर कैसे आई? आर्य समाज की शाखाओं के कारण भी। इन्होंने राजस्थान में स्वतंत्रता के प्रति विचारों को फैलाया और राष्ट्रीय चेतना प्रज्वलित की। राजनीतिक जागृति की भावना को विकसित करने में स्वामी दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, तो उनका यही कहना था कि स्वदेशी जो चीजें हैं उनको अपनाया जाना चाहिए, हिंदी जो है इस भाषा को अपनाया जाना चाहिए, ठीक है, और एकजुट होकर जो है कार्य करना चाहिए। थर्ड जो पॉइंट रहा, साहित्य और पत्रकारिता ने भी राष्ट्रीय भावना को जगाया। तो बहुत सारे साहित्यकारों के द्वारा साहित्य की रचना की गई, पत्रकारों के द्वारा भी लोगों ने जब इस चीज को पढ़ा, जाना, तब भी उनके जो है मन में राष्ट्रीय भावना जागृत हुई। बंकिम चंद्र चटर्जी के जो वंदे मातरम गान है, इससे भी राजस्थान जो है वह गूंज उठा। राजस्थान समाचार, देश हितैषी, परोपकारक आदि समाचार पत्रों ने भी राष्ट्रीय भावना की जागृति में महत्वपूर्ण सहयोग किया। उदयपुर से सज्जन कीर्ति सुधाकर और अजमेर से एक अंग्रेजी साप्ताहिक राजस्थान टाइम्स, इसका प्रकाशन 1885 ईस्वी में प्रकाशन शुरू हुआ। तो लोगों तक ये जो राष्ट्रीय चेतना की जो भावना थी कैसे पहुंची? तो यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल रहा है इन समाचार पत्रों का भी। अखबारों के माध्यम से लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक चेतना का उदय हुआ। हर जगह की खबर जो है इनको मिली। छप्पनिया के भीषण का अकाल के समय अंग्रेजों की ओर से जो उपेक्षा बरती गई, उसके कारण अंग्रेजों के प्रति विरोध का वातावरण बना। अतः जनता के मन में स्वतंत्रता प्राप्ति के विचार बनने आरंभ हो गए। तो यहाँ पर नोट्स में लिखने के लिए जो है वो अभी तक नहीं है, बस थोड़ा सा समझने के लिए ही है, ठीक है। एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय, एडवर्ड सप्तम के राज्यारोहण समारोह के समय उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह को आमंत्रित किया गया। तो इसमें शामिल होने के लिए जब उन्होंने दिल्ली प्रस्थान किया, तभी उन्हें रास्ते में शाहपुरा के क्रांतिकारी केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक जो है रचना भेंट की, ठीक है। तो उससे उनमें जो है वो आत्मसम्मान की भावना जागी। तो उसमें जो है चेतावनी राज चुंगटिया में केसरी सिंह बारठ यही जो है कहना चाहते थे कि जो महाराणा जो है वो अपने जो आत्मसम्मान जो है उसको जगाओ, ठीक है, अंग्रेजों के जो ये राज्यारोहण समारोह है इसमें आपको नहीं जाना चाहिए। उन्होंने दिल्ली दरबार के समारोह में शामिल न होने का निश्चय उसके बाद कर लिया। महाराणा के इस कार्य से राजस्थान की जनता में एक नव चेतना लहर दौड़ाई। तो यहाँ पर केवल एक ही लाइन जो है अभी तक नोट करने वाली है कि केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी राज चुंगटिया नामक एक रचना किसको भेंट की थी? वह महाराणा फतेह सिंह को भेंट की थी, जो कि कहाँ के महाराणा थे? उदयपुर के, जब वो दिल्ली जा रहे थे। अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के कारण राजस्थान का आर्थिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया, बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न हो गई और असंतोष का वातावरण उत्पन्न हो गया था। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो ऐसे मंच जो है तैयार करने का निर्णय लिया गया जहां पर जो भारतीय हैं उनकी बातों को भी समझा जाए। 1887 में गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के छात्रों ने कांग्रेस कमेटी का गठन किया और आगे चलकर जनता में राष्ट्रीय भावना उत्पन्न हुई जो निरंतर बलवती होती गई।
1888 में कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अजमेर के गोपीनाथ माथुर और किशन लाल हरविलास शारदा जो है राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। कहाँ पर प्रतिनिधि कहाँ पर बनकर गए? जो ये 1888 ईस्वी में कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हो रहा था, इसमें अजमेर के गोपीनाथ माथुर, किशन लाल और हरविलास शारदा जो है यहाँ राजस्थान के प्रतिनिधि बनकर गए। 1918 में दिल्ली में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन ने राजस्थान के कई व्यक्तियों ने भाग लिया, जिसके परिणाम स्वरूप इनका संपर्क ब्रिटिश भारत और अन्य राज्यों के नेताओं से भी हुआ। तो इनको जो है अन्य जो राज्य थे उनके नेता जो है इनको जानने लगे। इस अधिवेशन के बाद गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनका जो समाचार पत्र था प्रताप, विजय सिंह पथिक राजस्थान सेवा संघ के जो संपादक जो संस्थापक रहे, जमना लाल बजाज, चांदकरण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती आदि के प्रयत्नों से राजपुताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि मारवाड़ी पुस्तकालय की जो स्थापना दिल्ली के चांदनी चौक में की गई थी, राजपुताना मध्य भारत सभा नामक एक राजनीतिक संस्था की। तो इसमें कौन कौन से जो हैं लोग शामिल हुए थे? तो इस अधिवेशन में देखिए, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमना लाल बजाज, चांद करण शारदा, गिरधर शर्मा, स्वामी नरसिंह देव सरस्वती। ठीक है, तो इनके प्रयासों से जो है राजपुताना मध्य भारत नामक एक राजनीतिक संस्था स्थापित की गई। बाद में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन कब हुआ? 1920 में। समय यह कांग्रेस की सहयोगी संस्था मान ली गई। तो गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, जो कि समाचार पत्र के संपादक रहे, और जमना लाल बजाज। तो यहाँ पर राजपूताना मध्य भारत सभा को जो है राष्ट्रीय कांग्रेस ने सहमति दे दी थी कि वो अपने अधिवेशन कर सकते हैं। तो राजपूताना मध्य भारत सभा का जो दूसरा अधिवेशन होता है वो अमृतसर में होता है 1919 ईस्वी में। 1920 में तीसरा अधिवेशन जो होता है अजमेर में, जमना लाल बजाज इसकी अध्यक्षता करते हैं। चौथा अधिवेशन 1920 में होता है नागपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन भी इसी समय जो है वो नागपुर में हो रहा था। सभा के अध्यक्ष जो है वो नरसिंह चिंतामणि केलकर निर्वाचित हुए, किंतु कुछ कारणों से वे नागपुर नहीं पहुंच पाए। अतः जयपुर के गणेश नारायण सोमाणी को सर्वसम्मति से सभापति चुना गया। अधिवेशन में एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसमें राजस्थान के कृषकों की दयनीय स्थिति जो है वह दर्शाई गई। राजस्थानी जनता का आह्वान अब कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचा और राजस्थान के नेताओं के दबाव के कारण कांग्रेस ने एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया, जिसमें राजस्थान के राजाओं से आग्रह किया गया कि वे अपनी प्रजा को शासन में जो है वो भागीदार बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थानी जनता का जो आह्वान था, तो जैसे ही कांग्रेसी नेताओं तक पहुंचता है, राष्ट्रीय कांग्रेस के जो नेता हैं वो यहाँ पर राजाओं को कहते हैं, आग्रह करते हैं कि वो अपनी प्रजा को शासन में भागीदार बनाएं, अत्याचार जो है उन पर ना करें। 1919 ईस्वी में वर्धा में ही राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है वो विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के योगदान से हुई। इम्पोर्टेंट है, इस संघ का मुख्य उद्देश्य क्या था? जनता की समस्याओं का निवारण करना, और दूसरा जो उद्देश्य था, जागीरदारों और राजाओं का अपनी प्रजा के साथ बहुत ही नम्र रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध जो है वो स्थापित करवाना। इस संघ के माध्यम से राजस्थान में राजनीतिक चेतना का प्रसार हुआ और धीरे धीरे बूंदी, जयपुर, जोधपुर, सीकर, खेतड़ी, कोटा आदि स्थानों पर संघ की शाखाएं खोली गईं। राजस्थान सेवा संघ ने बिजोलिया और बेंगू में किसान आंदोलन, सिरोही और उदयपुर में भील आंदोलन, इनका मार्गदर्शन किया था। संघ ने बूंदी, सिरोही, उदयपुर में पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों को भी उजागर किया, और क्या किया, इसकी कड़ी आलोचना की। ब्रिटिश सरकार राजस्थान सेवा संघ की गतिविधियों से संशंकित थी। ठीक है, कि ये लोग जो है वो बढ़ चढ़कर जो है लोगों को जो है हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। मार्च 1924 में राम नारायण चौधरी और शोभा लाल गुप्त को तरुण राजस्थान में देशद्रोहात्मक सामग्री जो है वो प्रकाशित करने के अपराध में गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ राम नारायण चौधरी और शोभा लाल गुप्त को जो है इस आधार पर गिरफ्तार किया गया कि ये देशद्रोहात्मक सामग्री जो है इस अखबार में प्रकाशित कर रहे हैं। न्यायालय ने राम नारायण को तो मुक्त कर दिया, परंतु शोभा लाल गुप्त थे इनको 2 वर्षों के कठोर कारावास की सजा मिली।
1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा पथिक को कैद किए जाने के बाद से सेवा संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों में परस्पर मतभेद शुरू हो गए और सने सने मतभेद की खाई जो है वो चौड़ी होती गई। परिणाम स्वरूप 1928 से 29 तक राजस्थान सेवा संघ जो है वो पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। तो यहाँ पर 1924 में मेवाड़ राज्य सरकार द्वारा जब पथिक को विजय सिंह पथिक जो है इनको कैद किया गया, तो इसके बाद जो है वो सेवा संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों में आपस में ही मतभेद हो गया और इस वजह से राजस्थान सेवा संघ जो है वो पूर्णतः प्रभावहीन हो गया। सन 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में आया। उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन किया। समस्त भारत पर इसका असर पड़ा। राजस्थान भी इससे अछूता नहीं रहा। यहाँ भी लोगों में देश प्रेम की भावना जागृत हुई। राज्यों में निरंकुश शासन के प्रति तीव्र रोष उत्पन्न हुआ। जोधपुर में एक सत्याग्रही भंवर लाल सर्राफ हाथ में तिरंगा झंडा लेकर शहर में घूमे। झंडे के एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर स्वराज्य लिखा। इन्होंने बाजार में एक भाषण दिया जिसे जनता ने उत्साह से सुना। टोंक राज्य की जनता ने एक सभा पर कांग्रेस के प्रति पूर्ण सहानुभूति व्यक्त की और असहयोग आंदोलन का अनुमोदन किया। वहां के अंग्रेज पुलिस अधिकारी ने उनके नेता मौलवी अब्दुल रहीम, सैयद जुबेर मियाँ, सैयद इस्माइल मियाँ, काजी महमूद अयूब आदि को गिरफ्तार कर लिया। लगभग 70 अन्य व्यक्ति भी इस संबंध में गिरफ्तार हुए, लेकिन शीघ्र ही छोड़ दिए गए। जयपुर राज्य में जमुना लाल बजाज ने अपनी जो है राय बहादुर की उपाधि जो है लौटा दी। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के दौरान ही जो है राय बहादुर की उपाधि जो है किसने लौटाई थी राजस्थान में, जमुना लाल बजाज ने। और 1 लाख रुपए जो है वो तिलक स्वराज कोष में जमा किए। उन्होंने 11,000 रुपये मुस्लिम लीग को दिए। उन्हें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। किसे? जमुना लाल बजाज को। इसके बाद गांधी जी के साथ जो है इनके निकट गांधी जी के बहुत ये निकट आ गए और जमुना लाल बजाज से प्रेरित होकर राजस्थान के दूसरे व्यापारियों ने भी इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस को जो है वो आर्थिक सहयोग दिया। तो जहां देश में 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना होती है कि भारतीयों के लिए जो है एक ऐसा मंच तैयार किया जाए जहां पर वो अपने जो भी विचार हैं उनको व्यक्त कर सकें, कोई जो है उनकी सुनने वाला हो। ठीक है, तो इसी तरीके से राजस्थान सेवा संघ के जो नेता थे और जैसे गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, जमुना लाल बजाज, चांदकरण शारदा, ये लोग जो थे इन्होंने राजपूताना मध्य भारत सभा जो एक राजनीतिक संस्था जो थी इसकी स्थापना की दिल्ली में। ठीक है, तो ये जो है संपर्क में आती है, ये जो राजनीतिक संस्था है कौन सी? राजपूताना मध्य भारत सभा। तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस के संपर्क में आती है और इसको सहमति मिल जाती है कि ये लोग जो है ये भी अधिवेशन कर सकते हैं। तो अधिवेशन जो है इसी तरीके से अधिवेशन ये लोग करते हैं। तो पहले नागपुर में करते हैं, उसके बाद अमृतसर में करते हैं, फिर जो है अजमेर में करते हैं। ठीक है, और 1920 में नागपुर में करते हैं। तो यहाँ पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है इनके जो भी कार्य थे राजपूताना मध्य भारत सभा के, तो इनसे जो है ये बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। इनका संपर्क जो है इनके जो नेता होते हैं इनके साथ होता है। तो ये चीज जो है वो हमने पढ़ी। फिर हमने जो है इम्पोर्टेंट लाइन ये भी देखी कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है 1919 में और वो किसके द्वारा की जाती है, ये जो है विजय सिंह पथिक जो है उसके जो है संस्थापक रहे वो करते हैं। उनके साथ रामनारायण चौधरी भी थे, हरिभाई किंकर भी थे। ठीक है, उद्देश्य यही था इनका कि जनता जो है इसकी जो भी समस्याएं हैं उनका जो है निराकरण जो है वह किया जा सके। तो जब ब्रिटिश सरकार को ये चीज जो है वो पता लगती है कि ये लोग जो है लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रोत्साहन कर रहे हैं कि लोग जो है वो अपने हक के लिए आगे बढ़े, तो उन्होंने क्या किया कि जो राजस्थान सेवा संघ के जो नेता थे उनके ऊपर जो है वो ये आरोप लगा दिया कि ये जो है देशद्रोहात्मक कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो एक अखबार जो था तरुण राजस्थान उसमें ये चीज प्रकाशित होती है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, और जब उनको विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार किया जाता है तो क्या होता है कि जो राजस्थान सेवा संघ जो है उसमें आपस में ही जो नेता थे तो जो सदस्य थे जो अधिकारी थे तो वो लोग जो है कमजोर पड़ जाते हैं और आपस में ही मतभेद उनके हो जाता है और इस तरीके से राजस्थान सेवा संघ जो है वह बहुत ज्यादा ढीली पड़ जाती है। ठीक है, और फिर जब हम देश में देखते हैं तो गांधी जी जो हैं असहयोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर देते हैं।
वहां पर गांधी जी को भी जब पता लगता है बिजोलिया का, बेंगू का, अलवर किसान आंदोलन का, तो वो इस इन सब चीजों को राष्ट्रीय स्तर पर जो है दिखाने के लिए और असहयोग आंदोलन आरंभ कर देते हैं कि जो है हम बिल्कुल भी जो ब्रिटिश सरकार जो है उनकी नीतियों का सहयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कई लोग जो हैं इनके साथ, गांधी जी के साथ जो है वह जुड़ते हैं। तो यहाँ पर जमना लाल बजाज जो हैं वो भरपूर सहयोग करते हैं, आर्थिक सहयोग भी करते हैं। बीकानेर में राजनीतिक जागृति अपेक्षाकृत देरी से हुई, धीरे धीरे यहाँ भी ब्रिटिश प्रांतों में चल रहे असहयोग आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। जनता में रियासती शासन के प्रति जो असंतोष धीरे धीरे फैलना आरंभ हो गया। 1921 में बीकानेर में मुक्ता प्रसाद वकील आदि ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई कि विदेशी जो वस्तुएं हैं उनका तिरस्कार किया जाए, बहिष्कार किया जाए, ठीक है, और खादी पहनने का जो है व्रत कर लिया। बीकानेर में खादी भंडार भी खोला गया। इसी उपलक्ष्य में उनके स्थानों अनेक स्थानों पर जनता में जागृति लाने के उद्देश्य से पुस्तकालय, वाचनालय भी खोले गए। चूरू, सुजानगढ़, रतनगढ़ आदि में सर्व हितकारिणी सभा, विद्या प्रचारिणी सभा आदि नाम से समाज सेवा के उद्देश्य से संस्थाएं जो है वो स्थापित की गई। इन संस्थाओं की ओर से राजनीतिक साहित्य के पर्चे जो है वो प्रसारित किए गए। 15 मार्च 1921 को अजमेर में द्वितीयक राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें मोतीलाल नेहरू जो है उपस्थित थे। मौलाना शौकत अली ने सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया। अजमेर में पंडित गौरी शंकर के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया और इस कार्य में अर्जुन लाल सेठी, चांदकरण शारदा इन्होंने भी भरपूर सहयोग किया और यहाँ पर साथ दिया, भाग लिया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के नरेशों ने तन मन धन से ब्रिटिश सरकार को सहायता प्रदान कर ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति पूर्ण निष्ठा का परिचय दिया था और ब्रिटिश सरकार ने भी इन्हें अपना जो है वो विश्वसनीय सहयोगी और युद्ध संचालन में भागीदार बनाया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह, इन्होंने साम्राज्यिक युद्ध मंत्रिमंडल और साम्राज्यिक युद्ध सम्मेलन का सदस्य मनोनीत किया गया। उन्हें जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए भारत का प्रतिनिधि करने हेतु पेरिस भेजा। किसको भेजा था? बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को, जर्मनी से संधि वार्ता में भाग लेने के लिए। भारत की ओर से विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद वायसराय की अध्यक्षता में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई, जहां देसी राजा अपने राज्यों और भारत सरकार से संबंधित समस्याओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार और देसी राजाओं को संकेत दिया गया कि राष्ट्रवादी मध्यवर्गीय लोग, किसान, मजदूर आदि समाज की निम्न स्तर की उभरती शक्ति ब्रिटिश सरकार और देसी नरेशों के लिए समान रूप से अशांति और खतरा उत्पन्न करने का कारण बन सकती है। तो ब्रिटिश प्रशासकों ने मेवाड़ के बिजोलिया ठिकाने में किसान पंचायतों की स्थापना कर गौर किया कि उनकी आत्मनिर्भरता की तुलना रूसी सोवियत से की और बिजोलिया किसान आंदोलन के सूत्रधार पथिक को बोल्शेविक कहा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है और कई बार ये एग्जाम में आ चुकी है कि विजय सिंह पथिक को क्या कहा गया? बोल्शेविक, विप्लववादी कहा गया। तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो आ जाते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान राजस्थान के किस राजा को जर्मनी से संधि वार्ता के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पेरिस भेजा गया? महाराजा गंगा सिंह को। ठीक है, और वहीं ब्रिटिश प्रशासकों ने किसे बोल्शेविक कहा? तो विजय सिंह पथिक को बोल्शेविक कहा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885 को हुई, बॉम्बे में हुई, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो है कहाँ पर की गई? तो यह वर्धा में की गई 1919 में, विजय सिंह पथिक ने की, साथ में राम नारायण चौधरी थे, हरिभाई किंकर थे। और जमना लाल बजाज जो है जिन्होंने कौन सी उपाधि जो है लौटाई थी असहयोग आंदोलन के दौरान? तो राय बहादुर की उपाधि जो है वह लौटाई थी। तो यहाँ पर जो है अभी भी जो है कई शासक जो थे वो भी इस चीज में लगे हुए थे, ब्रिटिश सरकार जो थी उनका सहयोग कर रहे थे। तो राजस्थान, तो उनको जो है यहाँ पर खतरा महसूस होने लगा था। राजस्थान के शासक अपने राज्यों में असहयोग आंदोलन के दौरान होने वाली गतिविधियों के प्रति सतर्क हो गए। तो स्वयं को प्रगतिशील मानने वाले खुद बीकानेर के जो महाराजा गंगा सिंह हैं, इन्होंने अपने राज्य के शिवमूर्ति और संपूर्णानंद और आनंद वर्मा, इनको सरकारी नौकरी से इसलिए निलंबित कर दिया क्योंकि ये स्वदेशी वस्त्र पहन रहे थे और इन्होंने तिलक स्वराज्य कोष में चंदा जमा कर दिया था।
तो जोधपुर महाराजा के संरक्षक सर प्रताप सिंह इस आंदोलन के कारण इतना बौखला उठे कि उन्होंने राज्य में विदेशी माल को प्रोत्साहन देना आरंभ कर दिया, जबकि इससे पहले वे महर्षि दयानंद के उपदेश मानकर हिंदी भाषा और स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह असहयोग आंदोलन के प्रति गुप्त रूप से जो है वो सहानुभूति रखते थे। तो पहले जो है ये ब्रिटिश सरकार जो थी इनका साथ दे रहे थे, लेकिन बाद में जो है गुप्त रूप से जो है इनको सहयोग देने लगे। भारत सरकार ने उन्हें आदेश दिया कि वे या तो उनके कहे अनुसार मंत्रिमंडल का गठन करें या युवराज को शासन के अधिकार सौंपकर स्वयं राजकाज से अलग हो जाएं। महाराणा ने विवश होकर अपने युवराज भूपाल सिंह को 28 जुलाई 1921 को शासन अधिकार सौंप दिया। युवराज ने अंग्रेज सरकार की इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल बनाया और राजस्व विभाग जैसा महत्वपूर्ण विभाग एक अंग्रेज अधिकारी मिस्टर ट्रेंच को सौंप दिया। ब्रिटिश सरकार अब ये प्रयत्न करने लगी कि जहां तक हो सके राजस्थान के राज्यों में अंग्रेज मंत्रियों की नियुक्ति हो, ताकि वे राज्यों में बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना जो है इस पर नियंत्रण कर सकें। सिरोही, बूंदी, जोधपुर, जयपुर में अंग्रेज व्यक्तियों को मंत्री नियुक्त किया गया। जहां ऐसा संभव नहीं हुआ वहां राज्य के बाहर के व्यक्तियों को बुलाया, उच्च पदों पर उनको नियुक्त किया गया। स्थानीय प्रतिभा की पूर्ण रूप से अवहेलना की गई। मारवाड़, जोधपुर राज्य का प्रथम मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति और स्थानीय कॉलेज का प्रथम स्नातक दरबार हाई स्कूल में क्रमशः लेखाकार और सामान्य अध्यापक के पद पर ही कार्यरत रहे। राजस्थान के अनेक राज्यों में राजाओं के प्रशासन का अधिकार छीनकर नव नियुक्त दीवानों, निरंकुश नौकरशाहों को दे दिया गया। उनका कार्य जनता की राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाए रखना था। वे अपने कार्यों के लिए राजा या जनता के स्थान पर जो है दिल्ली के राजनीतिक विभाग के प्रति उत्तरदायी थे। 20वीं शताब्दी के तृतीय दशक तक राज्यों में बहुत बड़ी संख्या में शिक्षित लोग मौजूद थे, जिन्हें राज्य में कार्य करने का अवसर तो प्राप्त भी नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप उनमें असंतोष फैल गया और इस शिक्षित वर्ग ने प्रचलित व्यवस्था में व्याप्त अनियमितताओं को उजागर कर जनता में जागृति उत्पन्न कर दी। उन्होंने नागरिक अधिकारों और उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए संघर्ष किया और जन आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया और राजस्थान में अब एक नए युग का सूत्रपात हुआ। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना। ठीक है, तो ब्रिटिश सरकार जो नहीं चाहती थी कि यहाँ पर राजनीतिक चेतना जो है जागृत हो, लोगों को जो है इनका पता लगे, यहाँ तक कि जो शिक्षित वर्ग जो था उनको भी इन्होंने जो ऊंचे पदों पर जो है वो नियुक्त नहीं किया। ठीक है, अपने ही जो अंग्रेज अधिकारी थे उनको यहाँ पर नियुक्त किया गया। तो इस तरीके से जो रियासतें थीं, जो राज्य जो थे, वहाँ पर जन आंदोलन हुआ और प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो नेक्स्ट जो है वो हम ये पढ़ेंगे, जो कि आपके बहुत काम का है, और अब तक जो पढ़ा है उसमें आपके 4-5 लाइनें जो हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जिनको आप याद में रखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई वो आ सकता है। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ की गई, वर्धा में की गई थी। ठीक है, कौन थे उसमें, विजय सिंह पथिक ने की थी, रामनारायण चौधरी, हरिभाई किंकर जो है उनके योगदान से। और इसके अलावा जो है वो वॉल सेविक जो कहा गया ब्रिटिश प्रशासकों के द्वारा, किसको कहा गया, विजय सिंह पथिक को कहा गया। तो ये सब चीज़ें जो है आप याद रखें। और इसके बाद राजस्थान में प्रजामंडल की स्थापना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।